तो यहाँ पर मेरा आ चुका है स्काई मास्टर 25x200 बाइनोकुलर्स। ये सेलेस्ट्रॉन कंपनी का है, जो ओरायन के BT बाइनोकुलर्स हैं, उसकी टक्कर के बाइनोकुलर्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बजट में, लाइक ओरायन के तो मेरे ख्याल से 1 लाख के पार ही होते हैं। तो इसकी रेंज, इसकी प्राइस है 30,000, और स्काई मास्टर सेलेस्ट्रॉन की। तो ये भी नाइट्रोजन फील्ड मल्टी कोटेड लेंसेज के साथ और बाग फोर प्रिज्म का इस्तेमाल होता है इसमें। और जैसा ये है इसका ट्राईपॉड जो मैंने अलग से मंगवाया है, 4 किलो का बाइनोकुलर्स होता है, तो लाइक हाथ में तो इसे नहीं उठा सकते। जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, ये ट्राईपॉड अडेप्टर भी है इसमें। सो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके साथ एक कैरी बैग भी आता है, वो इसी के अंदर होगा, इसी के अंदर है। सो ये एस्ट्रोनॉमी के लिए ही बना है ये वाला बायनोकुलर्स। ये बिल्कुल टेलीस्कोपिक बायनोकुलर्स ही हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफ है ये। तो ये रहा कैरी बैग इसका। इन बायनोकुलर्स में उसका रूफ प्रिज्म का इस्तेमाल नहीं होता है, पोरो प्रिज्म का इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि स्ट्रेट लाइट पाथ नहीं होता इसमें। काफ़ी सही है बैग, टांग में लाया गया है, कहीं पे भी टांग के चल दो। जो ओरायन के बाइनोकुलर्स होते हैं, उसमें ये लोग आपको ऐसा वाला बैग नहीं देते हैं, उसमें वो लोग खाली आपको एक बड़ा सा वो देते हैं, सूटकेस टाइप का। मेरे लिए तो बैग ज़्यादा कंफर्टेबल है। सूटकेस में उठा आपको, मतलब हाथ ऐसे उठा के चलना पड़ेगा हाथ से, वरना इसको तो आप टांग सकते हो कंधे वगैरह पे। आप देख सकते हैं ब्लू, हल्का हल्का आपको ब्लू दिख रहा होगा। ये मल्टी कोटेड लेंसेज हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा कलर दिखता है। आगे से आपको शायद ग्रीन दिखे। तो ये रहा सबसे पहला व्यू बायनोकुलर्स का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अगर मेरे हाथ के कंपैरिजन में आप देखें, तो देखिए कितना बड़ा है। तो ये तो हैंड होल्डेबल नहीं है, इसको आप ट्राईपॉड पे ही इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको स्टडी व्यू मिलेगा। अब इसको मैं ट्राईपॉड पे सेट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो ये रहा दोस्तों हमारा बायनोकुलर और उसका ट्राईपॉड। ट्राईपॉड लगभग मेरी हाइट से भी ज़्यादा, मेरी हाइट से थोड़ा सा ही कम है, मेरी 180 हाइट है और ये 174 है। तो आप देखें तो लगभग मेरी हाइट तक ही है, जो भी ठीक है। हम लंबे लोगों के लिए इतना ट्राईपॉड ही ठीक है। ट्राईपॉड के नीचे हुक दे रखा है उन्होंने वेट लटकाने के लिए। इससे होता क्या है कि ट्राईपॉड थोड़ा स्टेबल हो जाता है, अगर ट्राईपॉड थोड़ा हैवी हो जाए तो। हैवी ट्राईपॉड थोड़े स्टेबल होते हैं। बाकी ये दूरबीन अब आपको रात में ही इससे दिखेगा। बाकी ये है कि इसको हम रबड़ है जो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, और बायनोकुलर्स को भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है अपने आइज़ के हिसाब से, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं दिखा, इसको हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ट्राईपॉड बढ़िया है। बाकी अगर आप ये सेलेस्ट्रॉन स्काई मास्टर 25x200 की तुलना अगर ये छोटे बायनोकुलर्स से करें, हैंड होल्डेबल बायनोकुलर्स, जो कि मेरे पे है एक 8x40 का, तो यकीनन वो 25x का मैग्नीफिकेशन देता है, और ये खाली 8 का मैग्नीफिकेशन, 8x का। 40 इसका एक्चुअली ये है लेंस का MM। सो उसका MM 100 MM का है लेंस, उसका बड़ा वाला जो कि यहाँ आगे आपको दिखता है, 100 MM का लेंस। जो कि इसका काम, यूज़ ये होता है कि वो ज़्यादा लाइट खींचता है और बहुत ही बढ़िया व्यू देता है, और उसका एंगल ऑफ व्यू भी ज़्यादा होता है। और अगर हम टेलीस्कोप्स की बात करें, जैसे कि मेरे पे ये है एक टेलीस्कोप, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही आई के लिए व्यू है इसमें, एक आंख से देख सकते हैं आप। हालांकि आप इसमें लेंसेज चेंज कर सकते हैं, जैसे ये लेंस है, तो मेरे पे काफ़ी सारे लेंसेज पड़े हैं, जो कि ये वाला लेंस है मेरे ख्याल से S20 mm का लेंस है। बाकी आपको इसके साथ ही और दूसरे लेंसेज भी मिल जाते हैं। इसका डायमीटर 70 mm, तो आप लगा सकते हैं एक टेलीस्कोप, इस नॉर्मल टेलीस्कोप का डायमीटर 70 mm है, और उसका 100 mm 100 mm दो लेंसेज हैं, तो काफ़ी बढ़िया व्यू देता है वो।
बाकी वो बड़े बायनोकुलर्स ख़रीदने का मेरा एक मकसद यही था कि वो एस्ट्रोनॉमिकल बायनोकुलर्स हैं। टेलीस्कोप से एक्चुअली होता क्या है कि एक आँख से देखने में वो लाइक इतना अच्छा दिखता नहीं है अगर एक आँख से देखें, बाकी दोनों आँखों से बहुत अच्छा क्लियर व्यू और बहुत ही लाइक ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल मतलब बहुत क्लोज दिखती हैं चीज़ें, तो अच्छा लगता है। तो रात में, अभी तो दिन हो रही है तो रात में देखेंगे। सो कभी कभार टेलीस्कोप में एक ये भी है कि वो इन्वर्टेड इमेजेस भी दिखाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए होते हैं लेंसेस। तो ये है कुल मिला के। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।